तो गाइस आपने अपने स्मार्टफोन में एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि आप अपने कीबोर्ड में कुछ टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पे आप लिखते कुछ और हैं और ऊपर आपका दिखाई देता कुछ और है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या क्या, तो ठीक है ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं क्या हुआ लिख रहा हूँ, सॉरी दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ लिखा हुआ की जगह मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जस्ट लिखाई दे रहा है। तो ये मिस्टेक आपके मोबाइल में भी हो रहा है और आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए, ये वीडियो इसी टॉपिक के बारे में ही है। सो हाय, मैं हूँ अशोक और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसे ठीक करने का पहला तरीका ये है कि आप अपनी कीबोर्ड में यहाँ पे कोमा का सिंबल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये भी लिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस आप जब करते हैं तो यहाँ पे दिखाई देगा प्रेडिक्शन ऑन का ऑप्शन, इसे आपको ऑफ़ कर देना है। जब आप इसे ऑफ करते हैं तो यहाँ पे आप कुछ टाइपिंग करते हैं तो स्किप करने के बाद आपका कुछ बदलता नहीं है, जो आप टाइपिंग करते हैं वही रह जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कैंडिडेट्स यहाँ पे बहुत सारे जो दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया पहले तरीके के बारे में जानकारी, आप जानते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरे तरीके में यहाँ पे आपका प्रेडिक्शन ऑन भी रहेगा और यहाँ पे आप जो लिखेंगे कैंडिडेट्स भी नज़र आएंगे और यहाँ पे आप जब स्किप करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ बदलेगा नहीं, जो था वही ही रहेगा, जो टाइपिंग करेंगे वही भी यहाँ पे टाइपिंग होगा। तो ये सारे सेटिंग आप कहाँ से करें तो चलिए बताते हैं। तो आपके मोबाइल में ऊपर एक सिंबल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे आपका सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल सेटिंग में जाना है और उसके बाद आपको लैंग्वेज इनपुट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में ऐसा एक इंटरफेस नज़र आएगा तो यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेडिक्शन दिखाई देगा, प्रेडिक्शन को आपको ऑन ही रहने देना है और यहाँ पे नीचे दिखाई देगा ऑटो करेक्शन का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको ऑफ कर देना है। इसे आप जब ऑफ करते हैं तो आप यहाँ पे जो टाइपिंग करते हैं आपके कीबोर्ड में तो वो आपका कुछ चेंज नहीं होता, स्किप करने के बाद जो आप टाइपिंग करते हैं वही रह जाता है और यहाँ पे कैंडिडेट्स भी नज़र आते हैं। ये देखिए दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, मैंने तो इसे ऑफ कर दिया है, यहाँ पे मैं जो टाइपिंग करता हूँ तो यहाँ पे स्किप करने के बाद कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स बता रहा है तब भी चेंज नहीं हो रहा है, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गया पूरे सेटिंग के बारे में जानकारी। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।